एक आदमी ट्रेन में चढ़ा। जैसे ट्रेन में चढ़ा उसने देखा उसकी सीट पे कोई बैठा था पहले से, तो उसने कहा कि यहाँ से हट, ये सीट मेरी है। उसने कहा भैया जी आपकी तो है पर वो मेरा थोड़ा परिवार यही है, आप अकेले हैं तो आप जरा मेरी वाली सीट उधर उस सीट पर बैठ जाए। तो कहता नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँगी, तो मेरी सीट है मैं यहीं बैठूँगा। अरे भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, हम थोड़ी देर आगे उतर जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ उस, ऐसे नहीं बैठूंगा मैं, मेरी सीट है ये, मैं यहीं बैठूंगा। अच्छा ठीक है ले तू बैठ जा। बैठ गया, थोड़ी देर तक चलता चलता गया, फिर उसका गंतव्य उसकी मंजिल आई। तो मंजिल आई, उठा और चलने लगा। जैसे जा रहा था तो पीछे से उस भाई ने आवाज़ दिया, अरे भैया रुको रुको रुको। उसने पूछा हाँ जी, बोले आप कुछ भूल गए हो, क्या भूल गए? बोले अपनी सीट तो साथ में लेते जाओ, इतनी देर से चिल्ला रहे मेरी सीट है मेरी तो लेके जा, सीट आपकी नहीं है, सीट पर कुछ देर का बस आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन खत्म होते ही यात्रा आती आपको सीट छोड़नी पड़ेगी और फिर उस सीट पर कोई दूसरा आके बैठेगा। वैसे ही जीवन में किसी को 5 साल का भगवान ने जीवन दिया रिजर्वेशन दी, किसी को 50 साल की, किसी को 100 साल की रिजर्वेशन। अब उसमें आप सीट पकड़ के बैठ जाए, नहीं नहीं ये तो हमारी, हम नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़नी पड़ेगी और आप जाएंगे तो सीट पर कोई और बैठेगा, वो जाएगा कोई और बैठेगा, ये सीट नहीं बदलेगी, पद नहीं बदलेगा, बस हम बदलते जाएंगे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।